अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। इस वीडियो में जो मुझे टास्क दिया गया है वो, अगर आपके पास अपनी ड्राइंग में कोई मल्टीपल अलाइनमेंट्स हैं तो उनको आप ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे इंशाल्लाह, और इसको देखेंगे कि आप दो अगर अलाइनमेंट हैं आपके पास, उनको आप ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो आप इनको लाइक ज़रूर किया करें और फीडबैक ज़रूर दिया करें। तो ये मेरे पास एक ड्राइंग जो मुझे दी गई है, इसमें ये दो डिफरेंट अलाइनमेंट हैं, ठीक है। एक अलाइनमेंट यहाँ पे एंड हो रही है और एक यहाँ से आगे स्टार्ट हो रही है। तो इन दोनों को हमने कंबाइन करना है, तो इसके लिए दो डिफरेंट मेथड जो है वो मैं यूज़ करूँगा कि अगर आपके पास डिफरेंट अलाइनमेंट है तो आप उनको ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है, ये जो दो अलाइनमेंट है मैं इनको एक्सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। ये अलाइनमेंट है मेरे पास सेंटर लाइन अलाइनमेंट है, ओके। और ये जो है स्टार्ट पोर्शन की अलाइनमेंट है, जैसे मैं इसको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ तो ये वाली अलाइनमेंट है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ लैंड एक्सएमएल में, एक्सपोर्ट टू लैंड एक्सएमएल, और इसको मैं ओके करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो है मैं इसको नाम देता हूँ 1 का, ओके। और मैं इसको सेव करता हूँ, ये सेव हो गई है, ठीक है। अभी दूसरी अलाइनमेंट को मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये जो एंड की तरफ है, ये वाली अलाइनमेंट है, और यहाँ पे मैं इसको एक्सपोर्ट टू लैंड एक्सएमएल करता हूँ, इसको मैं ओके करता हूँ, और इसको मैं 2 का नाम देता हूँ। अलाइनमेंट हमारी एक्सपोर्ट हो चुकी है, अभी जो है हमने इसको ओपन करना है। ये जो दो एक्सएमएल फाइल है हमारी, इसको हमने नोटपैड के साथ ओपन करना है, ओके। ये मेरी फर्स्ट फाइल है, ओके। और यहाँ पे ये जो है ये सेकंड फाइल है। नोटपैड के साथ दोनों को ओपन कर लिया है, ओके। ये फर्स्ट है। अभी यहाँ पे जो है इसकी जो लेंथ है, यहाँ पे ये जो लेंथ गिवन है, इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया है, और यहाँ पे मेरे पास कैलकुलेटर है, ठीक है। और यहाँ पे लाके मैं इसको पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं प्लस का बटन प्रेस करता हूँ, और यहाँ पे ये जो दूसरी अलाइनमेंट है, ओके, इसमें भी एक लेंथ गिवन है, आप इसको भी सिलेक्ट करें, यहाँ से कॉपी करें, और कैलकुलेटर में ले जाके आप इसको पेस्ट कर दें। इक्वल प्रेस करें तो आपके पास टोटल लेंथ आ जाएगी। यहाँ पे आपने इसको कॉपी करना है टोटल लेंथ को, और ये जो आपकी फर्स्ट वाली फाइल है इसमें आपने ये जो लेंथ की जगह है इस पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। ये पेस्ट हो गया है, ओके। और ये जो है अभी फाइल का, जो आपने इसको यहाँ से थोड़ा सा नाम इसका चेंज कर देना है, ओके। सेकंड वाली जो फाइल है यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करना है, ओके। और यहाँ तक आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है, इसको आपने कॉपी कर लेना है, राइट क्लिक करके कॉपी करना है। फर्स्ट वाली जो फाइल है इसके एंड में लाके आपने इसको पेस्ट करना है। ये जो लाइन लिखा हुआ है यहाँ पे आपने एक एक इंटर प्रेस करना है, और इस पे आपने इसको कंट्रोल वी, या जैसे भी आप पेस्ट करना चाहें इसको आप पेस्ट कर दें। यहाँ पे ये जो है इसको आपने टैप प्रेस करना है, और यहाँ पे आपने इसको बराबर यहाँ पे ऊपर अलाइन करके आपने इस फाइल को अभी सेव एज कर लेना है, ओके। इसका मैं नाम दे देता हूँ फाइनल फाइनल, ओके। इधर ही मैं इसको सेव कर रहा हूँ, ओके। और ये जो पहली फाइल्स हैं इनको मैंने क्लोज कर दिया है। अभी मैं यहाँ पे एक न्यू ड्राइंग मैंने ओपन की है, ओके। और यहाँ पे मैं इस एक्सएमएल को अभी इंपोर्ट करता हूँ लैंड एक्सएमएल, ओके। ऑल फाइल, इसकी एक्सटेंशन मैं चेंज करता हूँ एक्सएमएल, यस। और इसको मैं अभी इंपोर्ट करता हूँ, ओके। यहाँ पे एक ये वार्निंग साइन आया, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलाइनमेंट हमारी जो है वो कंबाइन हो चुकी है, ओके। और यहाँ पे ये जो स्टेशन है थर्ड
39986। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो स्टेशन क्या है, हम वेरीफाई कर लेते हैं इसको। थर्टी नाइन नाइन एटी सेवन। ओके, इसमें ये जो एक 1 मीटर का डिफरेंस है वो यहाँ पे इसमें ये ओवरलैप है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये अलाइनमेंट यहाँ तक है, जबकि ये अलाइनमेंट जो है ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो ये जो तकरीबन 1 मीटर का इसमें जो ओवरलैप है वहाँ पे वो इसमें माइनस हो गया है। ठीक है, नाइन एटी सिक्स है। ओके, ऑलमोस्ट ये वही है, 7-8 आ रहा है तो वहाँ पे ये ऑलमोस्ट वही है। ठीक है, तो दूसरा जो मेथड है हम यूज़ करेंगे इसमें, ये मेरे पास एक अलाइनमेंट है। ठीक है, अगर आपके पास कोई ऐसा केस है जैसे वो बिल्कुल कंटिन्यू थी तो हमने उसको ज्वाइन कर दिया है, अगर आपके पास कुछ डायरेक्शन चेंज हो रही है अलाइनमेंट की तो उसको आप कैसे कर सकते हैं, सेम उसी मेथड से भी आप कर सकते हैं, और ये दूसरा मेथड है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ये एक अलाइनमेंट है और यहाँ पे ये कुछ मेरे पास लाइन और कर्व्स है, लाइन और कर्व्स है। अभी हमने इसको इस मेथड से ज्वाइन करना है, उस अलाइनमेंट को भी आप इस मेथड से ज्वाइन कर सकते हैं, जो इजी लगे आपको आप वो फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे ये अलाइनमेंट है, इसके यहाँ इस पॉइंट तक हम अपनी अलाइनमेंट न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं और इसको डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो पहले मैं एक न्यू अलाइनमेंट यहाँ तक इसको एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट से क्रिएट करके दिखाता हूँ आप लोगों को। होम टैब, अलाइनमेंट, अलाइनमेंट फ्रॉम एग्जिस्टिंग। ओके, यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। ओके, और यहाँ पे ये ऊपर ऑप्शन आ रही है कुछ, तो यहाँ पे मेरे पास एंटिटीज हैं तो मैं एंट्री पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे स्टेशन जो है वो मैं 0 प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैंने 0 प्रेस किया, ओके, और इस अलाइनमेंट को मैंने सिलेक्ट किया है। ठीक है, सॉरी, स्टेशन, अलाइनमेंट, अलाइनमेंट फ्रॉम एग्जिस्टिंग। ओके, मैंने इसको सेट किया। ओके, यहाँ पे मेरे पास जो है एंटिटीज है, एंटिटीज में मेरे पास जो है वो स्टेशन है, स्टेशन जो है वो यहाँ पे मैं 0 सेलेक्ट करता हूँ। ओके, ये 0 से मेरे स्टार्ट हो गया ये अलाइनमेंट। ओके, और यहाँ तक मुझे चाहिए तो यहाँ पे मैं इसको ये पॉइंट देता हूँ, ये वाला जो पॉइंट है। ओके, और यहाँ पे मैं इस पर फिनिश पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मुझे अलाइनमेंट का नाम पूछा जा रहा है, मैंने अलाइनमेंट ब्रेक का नाम दिया इसको और इसको मैं जस्ट ओके करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अलाइनमेंट हमारी फुल अलाइनमेंट है, और अगर मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये यहाँ पे जो है हमारे पास जो हमने पार्शियल अलाइनमेंट क्रिएट की है ये वो आ गई। अभी इस पार्शियल अलाइनमेंट में हमने इस पार्ट को ज्वाइन करना है, तो मैं अलाइनमेंट ज्योमेट्री में जाता हूँ और यहाँ पे जो है एक ऑप्शन है कन्वर्ट ऑटोकैड लाइन एंड आर्क। ओके, मैं जस्ट इसको सिलेक्ट करता हूँ। ओके, और यहाँ पे मेरे पास जो लाइन और आर्क है मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ। ओके, तो ये हमारी अलाइनमेंट में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये अलाइनमेंट हमारी बन गई है, यहाँ पे आप राइट क्लिक कर दें या एंटर प्रेस कर दें। ओके, तो ये बन जाएगा। उसके बाद जो आपने इसको सिलेक्ट करना है, ओके, अलाइनमेंट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यहाँ पे एक ऑप्शन है रिवर्स की, रिवर्स सब एंट्री, यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ। ओके, अलाइनमेंट, ओके, और यहाँ पे भी मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये जो कर्व है यहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो स्टेशनिंग है, यहाँ पे हमारी ये पार्शियल अलाइनमेंट थी वहाँ से ये कंटिन्यू हो गई है। तो इसको मैं एक दफ़ा अंडू करता हूँ। ओके, इसको मैंने अंडू कर दिया है और ये जो पार्शियल अलाइनमेंट थी इसको मैंने डिलीट कर दिया है। तो अभी हमारे पास ये जो कंप्लीट अलाइनमेंट है यही इसमें रह गई है। अभी इसको हम डिसकंटिन्यू कैसे कर सकते हैं हम वो देखेंगे। ठीक है, इस अलाइनमेंट को मैंने सेलेक्ट किया, अलाइनमेंट ज्योमेट्री, और यहाँ पे जो है
डिलीट एंटिटी की एक ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको ले लें। तो आपके पास जो भी एंटिटी लाइन और कर्व्स हैं, आप जस्ट इस पर क्लिक करें तो ये डिलीट हो जाएगी। इसके बाद आपने राइट क्लिक करना है, तो आपकी ये लाइन यहाँ तक डिसकंटिन्यू होके यहाँ तक अभी जो है हमारे पास आ गई है 2+4 डबल लाइन। अभी हमने इसी अलाइनमेंट में इसको जोड़ना है, सेम प्रोसीजर है। यहाँ पे आपने जाना है कन्वर्ट ऑटोकैड लाइन एंड आर्क में, ओके। और यहाँ पे आपने इसको वन बाई वन जो है आपने अपने सेलेक्ट करना है, ओके, ठीक हो गया। अभी यहाँ पे आपने इसको डायरेक्शन इसकी आपने चेंज कर देनी है, ओके। और ये आपकी जो है स्टेशनिंग जो है वो अलाइनमेंट एंड तक जो है वो हो जाएगी। उम्मीद है इसमें ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये अलाइनमेंट को कैसे ज्वाइन करते हैं। इसमें एक और ऑप्शन भी है, अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो यहाँ पे अलाइनमेंट में कनेक्टेड अलाइनमेंट की एक ऑप्शन होती है, ठीक है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट ड्राइंग है, ठीक है, ये जो फर्स्ट रैंक में हमने अलाइनमेंट कंबाइन किए हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर आपके पास जब आपने इसको लैंड एक्सएमएल में एक्सपोर्ट किया है और उसके पास अगर आपकी प्रोफाइल हो तो वो प्रोफाइल भी आपकी ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। और अगर आप देखना चाहें इसको तो आप इसमें देख सकते हैं, जैसे मैंने इसमें अलाइनमेंट को सिलेक्ट किया है, ओके, लेबल सेलेक्ट हो गया, ओके। और यहाँ पे अगर मैं प्रोफाइल व्यू क्रिएट करता हूँ इसका, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये जो प्रोफाइल्स आ रही हैं इसमें, ठीक है, ये एक पीजीएल की आ रही है और दो एग्जिस्टिंग आ रही है। पीजीएल वाली को मैं इसका जो स्टाइल है वो मैं चेंज कर देता हूँ, ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारी प्रोफाइल भी इसमें ऑटोमेटिक जो वहाँ पे प्रोफाइल थी वो भी कनेक्ट होके आ गई है। हमारी फर्स्ट अलाइनमेंट के साथ प्रोफाइल थी वो आ गई है इसमें, सेकंड में नहीं थी तो इसलिए वो इसमें शो नहीं होगी, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये डिसकंटिन्यू हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ये ओजीएल की जो प्रोफाइल है वो यहाँ पे डिसकंटिन्यू हो रही है, वहाँ पे उसकी सर्फेस वगैरह उसमें ऐड नहीं थी इसलिए वो इसमें नहीं आ रही है। तो अगर आपके दोनों प्रोफाइल के साथ दोनों अलाइनमेंट के साथ प्रोफाइल्स हैं तो वो इसमें कनेक्ट होके वो भी आ जाएगी। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।